सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर सोनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी गन्ना वैरायटी 14201 है कोलक। तो किसान भाइयों, ये गन्ने की न्यू वैरायटी है, तो उसकी पेटिया है ट्रेंच विधि की, ये देख लो। खुदाई जुताई कर दी इसकी, एक बार खुदाई करवा दी अब किसान भाइयों, और लेट की है ये, बहुत बढ़िया हो कर रही है। वैसे तो जड़ों में बहुत है, ब्यांत बहुत है इस वैरायटी में। देखो किसान भाइयों, अगर वैरायटी की इसकी ब्यांत की बात करें तो एक जगह देखो कितने, 8, 8, 10, 10, सब जगह ब्यांत की कोई कमी नहीं है। और खेत बिल्कुल बढ़िया सुखा दिया हमने, यो 3 दिन खुदा हो लिए 3 दिन, और उसके बाद अब इसमें पानी की प्रक्रिया। तो किसान भाइयों, मैं ये चाहता हूँ, इस टाइम खरसा चल रही है, किसान भाइयों को एक जो बहुत मेन बात है, इस टाइम पर पानी की बड़ी समस्या रहती है। देखो किसान भाइयों, खरसा में पानी जल्दी जल्दी आते हैं, और एक लाइट में बड़ी समस्या रहे, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि देखो गर्मी की वजह से कभी शट डाउन हो जा, कभी ब्रेक हो जा। तो मैं आपको एक ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि किसान भाई थोड़े समय में कैसे अपनी फसल को जल्दी भर पाएं, तो उसके लिए मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करियो, शेयर करियो, और वीडियो में किसान भाइयों अंत तक बने रहियो। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, जैसे ट्रंच विधि के गन्ना है ये, इसमें आप एक साइड में भी अगर मट्टी रख लो और छोटी छोटी गूल बना लो, ये हमने देखो 1, 2, 3 और 1, 4 एक साइड में मट्टी लगा दी और चर चर गूल का कर दिया, पानी चला जो आ लिया खेत में, ये देखो। तो जब थोड़े खुड्डों में पानी रहा होगा तो पानी का जोर प्रेशर बढ़िया रहता है, तो इसमें पानी की स्पीड दमादम दमादम, देखो किसान भाइयों, ये इधर 38 के खुड है 3, तो पानी की स्पीड बढ़िया रहे, पानी दमादम भागा चला जा। तो किसान भाइयों, थोड़ा खरसा में एक ध्यान रखे, छोटे कैरे बनावे और पतला ही पानी लगावे, ज़्यादा डांट कर ना भरे। तो ये इसमें आपको कम समय में आपकी ज़्यादा भराई हो जाएगी, ये मेरा आपको 100% गारंटी के साथ वादा है। और आप जितना ज़्यादा बड़ा कैरा बनाओगे, जोत दोगे खेत को, जोतने के बाद उसमें भान हो जाता है तो पानी ज़मीन पी के चलता है, तो जब ज़मीन पानी पीती है देखो किसान भाइयों, तो उसमें फिर समय बहुत ज़्यादा लगता है भराई में। तो देखो कल्लू मंडरा, कल्लू ठीक है, देखो जी कल्लू मंडरा है उधर, एक साइड में डोल कर रहा, तो मैंने ऐसा कहा कल्लू एक साइड में मट्टी लगाइए भाई, बस एक साइड में लगा दे। तो इसमें हम, ये 4 बीघे का प्लॉट है, तो किसान भाइयों इसमें एक साइड में मट्टी लगवा रहे खूड के, पिड्डी वैसे ठीक हो रही है, एक साइड में जैसे ही मट्टी लग जाएगी तो किसान भाइयों पानी को चलने की आड़ मिल जाएगी, कूदने का है नहीं पानी, और जल्दी भर जाएगा। तो मैं छोटे छोटे ही वो करके, क्योंकि इस बार हमने इसकी खुदाई जैसा कराई तो डोल डाल सारी होगी फ्लैट, एक इस बार डोल नहीं निकाल पाए, ट्रैक्टर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी इस वजह से ट्रैक्टर नहीं लाए, अन्य ट्रेंचर से थोड़ी देर में ही काम हो जाता, 3-4 डोल निकल जाती, तो आज 2-1 डोलों पर काम कल्लू से ही करवाना पड़ेगा। कल्लू को लाए बेचारे को, मगा भाई फावड़ों से इसे सारे काम को निमटा। तो किसान भाइयों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि आप जल्दी खेत कैसे भरें खरसा में, थोड़े पानी में ज़्यादा भराई कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि किसान भाई 4-5 खूड पे ही पतली सी डोल बना दे और उसके बाद सिंचाई करें। तो जब 4-5 खुड्डों में पानी चलता रहेगा किसान भाइयों, तो उसमें पानी ज़्यादा मार करता है, तो थोड़े ही समय में आप ज़्यादा भराई कर लोगे। कुछ किसान भाइयों को मेरे ये सवाल होंगे कि आदमी की समस्या डोल नहीं निकल पाती, वो बात सही है किसान भाइयों, साधन ऐसे हैं अब किसान भाइयों पर कि चाहे बारदन्ने से कर ले, डोलर से डोल निकाल लो, छोटे ट्रैक्टर से निकाल लो, लेजर से कर लो, चाहे लेजर से ही, छोटी पेड्डी है ये, छोटे लेजर से ही कर लो, फिर जुताई करने पर फिर हट जाएगी मट्टी। लेकिन बस बात ये है मेरी कि कम समय में हम ज़्यादा भराई कैसे करें, तो उसके लिए तो देखो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम तो देखो इस तरह करते हैं, 4-5 गूल से ज़्यादा बढ़ती नहीं करते, 4-5 गूल का हमने बनाया, जैसे ये भर का होगा इसमें यहाँ से काट देंगे तो जल्दी जल्दी पानी मार करेगा, देखो कितनी स्पीड से पानी भाग रहा, आप खुद देख लो, हल्का रोसड़े नंबर है, देखो पानी की स्पीड, देखो पानी की स्पीड, देखो तो हम किस तरह भागते जा रहे हैं।
तो किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे जो ये खेत भरने का जो तरीका है, इसमें आपकी क्या राय है तो आप बताइए किसान भाइयों। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दियो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लियो। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें किसान हित में एक अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहे, क्योंकि किसान भाइयों हमें एक दूसरे से ही सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम पानी का बड़ा वो है, खर्चा चल गया दमादम। अभी एक महीना ही है बस, एक महीने में इतने पानी पत्ते किसान भाई खुदाई उताई कर लेंगे, बस वो बस मेहनत है किसान की। फिर उसके बाद तो यह है, देखो बारिश हो जाती है, पानी का इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता, लेकिन अभी एक महीने में इसमें पानी का दमादम मार रहती है। एक साइड में ही, एक साइड में ही, बस उसी साइड में लगाता चला जा, इधर नहीं। तो देखो हम एक ही साइड में लगवा रहे हैं मट्टी, और अपना एक साइड की आड़ मिल जाएगी, तो इसी में ही पानी टूटने का नहीं। और पेड़ी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं चढ़ो हमें। किसान भाइयों बहुत लेट कटी थी, बिल्कुल लास्ट में आके ये खेत खाली हुआ, यानी कि 9-10 मई के करीब कटिंग होकर इसका बेल में गया है सारा गन्ना। तो किसान भाइयों इसमें दरअसल लेट होता रहा, कुछ का बीज बेचारों के पैसे आ रहे थे एक दो के, लेट हुआ तो इस वजह से ये रहा। कुछ अगेती होगी थी उधरती, वो बड़ी है ये बाद में कटी, तो फिर थोड़ा सा उसी हिसाब से मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब रहा। लेकिन ये है कि पिड्डी बड़ी अच्छी होने लग रही है, हमने इसमें 3-4 बार 3 स्प्रे कर चुके, और इसी के साथ 3 स्प्रे के हमने इसमें 1 बार खाद डला है अभी। तो किसान भाइयों आप बताइए आपको हमारी गन्ना फसल भी कैसी लगी, और पानी देने का तरीका कैसा लगा। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।